फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोटापा कम करने का कुछ आसान घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, मोटापा कम करने का आसान घरेलू उपाय। तो फ्रेंड्स, आजकल मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अधिकांश लोगों को मोटापा की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे अधिकांश लोग परेशान रहे हैं। तो मोटापा दूर करने के कुछ ऐसा घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जिसे आप आजमा कर आसानी से मोटापा को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आसानी से आप मोटापा को कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कौन सा उपाय है जिससे आप आजमा कर आसानी से मोटापा को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपको मोटापा कम करना है तो किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा तेल मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा तेल मसालों का सेवन करेंगे, ज़्यादा मांस मछली अंडा घी तैलीय पदार्थ इन सब चीज़ों का यदि ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो मोटापा कम करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए तो आपका मोटापा बहुत जल्दी दूर होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कौन सा चीज़ है जिससे आप मोटापा कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, मोटापा कम करना यदि आपको है तो सबसे पहले ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, जैसे चावल रोटी ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, टाइम पर भोजन नहीं करते तो इससे भी मोटापा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमेशा टाइम पर भोजन करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए और हल्का भूख से कम खाना खाना चाहिए, इससे मोटापा बहुत जल्द ही दूर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला उपाय है, आपको लेना है मेथी। आपको आसानी से मार्केट में मेथी मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं मेथी का साग का भी खाने में प्रयोग होता है, तो आपको लेना है मेथी, थोड़ी सी मेथी लेना है और उसको रात भर के लिए, जी हाँ दोस्तों, रात भर के लिए पानी में आप भिगो दें मेथी को। जब वो रात भर के लिए पानी में भीग जाएगा तो सुबह उस मेथी को पानी से निकाल देना। फ्रेंड्स याद रखें, आप जितना पानी पीने सकेंगे सुबह उतना ही पानी आप मेथी में डालेंगे और इसको रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ेंगे। तो उस पानी को आपको, मेथी को निकाल लेना है पानी से और उस पानी को सुबह आपको खाली पेट पीना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना है। यदि आप इसका रेगुलर, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका रेगुलर प्रतिदिन 1 से 2 महीने तक मेथी का पानी सुबह खाली पेट में पीते हैं तो इसे बहुत जल्द ही मोटापा कम होने लगता है, आपको बहुत जल्द ही असर दिखने लगेगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा उपाय है, तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे। मोटापा दूर करने का रामबाण घरेलू उपाय है, तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे, इससे मोटापा बहुत जल्द ही दूर होने लगता है। फ्रेंड्स, जिस मेथी के दानों को आप पानी में भिगो कर रखेंगे उस मेथी को आपको फेंकना नहीं है, उस मेथी को आप चाहे तो उसको भूनकर खा सकते हैं, ये भी आपका मोटापा दूर करने में फायदा करेगा, इसलिए आप उसे फेंकें नहीं, उसको भूनकर खा लें। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेथी के साग का सेवन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा तेल और मसाला तो नहीं डालते, तेल का मात्रा थोड़ा कम करके और उसको बनाकर मेथी के साग को खाएंगे तो इससे भी बहुत जल्दी मोटापा दूर होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मेथी का साग मोटापा दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप मेथी का साग प्रतिदिन जरूर खाना में प्रयोग करेंगे तो इससे मोटापा बहुत जल्दी दूर होने लगता है। फ्रेंड्स, तो मोटापा दूर करने का रामबाण घरेलू उपाय है, तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे, इससे मोटापा बहुत जल्दी दूर होने लगता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला उपाय है मूली। मूली आप सभी जानते हैं, तो मूली आपको लेना है और मूली को उसका जो मूली शहद होता है, शुद्ध शहद मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, मूली में आपको शुद्ध शहद मिलाना है और अच्छी से मूली में मिला लें शुद्ध शहद को और आप उसको प्रतिदिन खाली पेट में खाएं। ऐसा करने से प्रतिदिन मोटापा बहुत जल्दी कम होने लगता है। शहद भी मोटापा को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है, तो आप शहद और मूली को प्रतिदिन खाना में जरूर इस्तेमाल करें या ऐसे भी आप सुबह खाली पेट में खा सकते हैं, इससे मोटापा बहुत जल्दी कम होने लगता है। फ्रेंड्स, प्रतिदिन सुबह खाली पेट में 1 गिलास पानी में, जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास पानी में शहद 2 से 3 चम्मच, यदि आप शहद शुद्ध शहद होना चाहिए वो डालकर आप प्रतिदिन पीते हैं तो इससे भी बहुत जल्दी मोटापा कम होने लगता है, आपको बहुत जल्दी फायदा दिखेगा, बहुत ज़्यादा असर दिखेगा, तो आप इससे ज़रूर आजमा कर देखेंगे। यदि आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो 1 सप्ताह में 15 दिन में आपको इसका असर दिखने लगेगा, इसका फ़ायदा दिखेगा और मोटापा बहुत जल्द ही कम होने लगता है, तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे। मोटापा कम करने का ये भी बहुत ही अचानक से रामबाण घरेलू उपाय है और इससे बहुत जल्दी मोटापा दूर होने लगता है। फ्रेंड, मूली का रस,
जी हाँ दोस्तों, यदि आप मूली का रस प्रतिदिन पीते हैं उसमें सेंधा नमक डालकर, जी हाँ दोस्तों, तो मोटापा दूर करने का अचूक रामबाण घरेलू उपाय है। जी हाँ दोस्तों, मूली का रस सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गैस के प्रॉब्लम को भी दूर करता है और ये मोटापा कम करने का रामबाण घरेलू उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे, इसे बहुत जल्दी मोटापा दूर होने लगता है। फ्रेंड्स, मोटापा यदि आप कम करते हैं तो उन सब किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? आपको ज़्यादा तैलीय पदार्थ नहीं खाना है, खाना टाइम पे खाना है। यदि आप समय पे खाना नहीं खाते हैं तो इससे भी मोटापा बढ़ सकता है। और तैलीय पदार्थ का ज़्यादा सेवन नहीं करना है और आप ज़्यादा मात्रा में फ्रूट का भी सेवन नहीं करें, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो मोटापा कम करने में बहुत दिक्कत हो सकती है और बहुत परेशानी हो सकती है, मोटापा कम नहीं होगी। इसलिए इन सब चीज़ों का आप सेवन नहीं करें और आपका मोटापा बहुत जल्दी दूर होने लगेगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी टिप्स बताई हूँ आप उसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे, मोटापा दूर करने का रामबाण घरेलू उपाय। और इसे 110% यदि आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा बहुत जल्दी दूर होने लगता है। फ्रेंड्स, मैं यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।